बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 है, कम्प्लेक्स नंबर्स, और इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। उसके पहले 13 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज़ कि लेट Z1 इज़ इक्वल टू 24+7 आयोटा एंड Z2 mod इज़ इक्वल टू 6। Z2 की मैग्नीट्यूड उसका मॉड दिया हुआ है और Z1 जो है वो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1+Z2 mod। इसकी हमने मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है और मिनिमम भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेते हैं कि Z1 mod क्या है। Z1 mod हमारे पास आएगा 24 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, और ये स्केयर रूट आ जाएगा। 24 का स्केयर होता है 576 और 7 का है 49। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625 एंड दिस इज इक्वल टू 25। अब Z1 पर एंड Z2 की मैक्सिमम वैल्यू जो है, जिस तरह दो वेक्टर हैं F1 एंड F2, अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो है ये मैग्नीट्यूड, उनका रिजल्टेंट आता है मैक्सिमम, और वो क्या आता है F1+F2। और अगर वो अपोजिट में हैं तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम आता है F1-F2। और अगर किसी और एंगल पे हैं तो वो फिर ना मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से लेस होता है, मिनिमम से ज़्यादा होता है। तो उसी तरह इनकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z1+Z2 mod दिस इज इक्वल टू Z1 mod + Z2 mod, और ये हमारे पास आएगा 25+6 इज इक्वल टू 31। फिर आएगा लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1+Z2 mod दिस इज इक्वल टू Z1 mod - Z2 mod। 25-6 तो ये क्या आ गया, 19। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है हमारे पास कि इफ़ Z1 एंड Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट Z1+Z2 mod का स्केयर प्लस Z1-Z2 mod का स्केयर 2 Z1 mod का स्केयर प्लस Z2 mod का स्केयर। ये हमने प्रूव करना है, आसान है ये भी। और इसके लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, Z1+Z2 mod का स्केयर प्लस Z1-Z2 mod का स्केयर। और ये ऑलरेडी हम यूज़ भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कि Z into Z conjugate दिस इज इक्वल टू Z mod का स्क्वायर होता है। तो इसी को यूज़ करते हुए हम, ये हमारे पास आएगा Z1+Z2 का कंजुगेट प्लस Z1-Z2 का कंजुगेट दिस इज इक्वल टू Z1+Z2, और कंजुगेट को अलहदा कर लेंगे, थ्योरम्स हैं बकायदा, ये प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो ये कंजुगेट जो है Z1-Z2 से सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास Z1-Z1 कंजुगेट। इसको पकड़ा मैंने इसके साथ, फिर इनको पकड़ा Z1-Z2 कंजुगेट, ये आएगा Z2-Z1 कंजुगेट, Z2-Z2 कंजुगेट। अब आगे चलते हैं इस पर, तो आएगा Z1-Z1 कंजुगेट -Z1-Z2 कंजुगेट -Z2-Z1 कंजुगेट, और आगे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव प्लस Z2 और Z2 कंजुगेट। ये अगर आप गौर करें तो ये है Z1-Z2 कंजुगेट और ये भी है Z1-Z2 कंजुगेट, ये है Z2-Z1 कंजुगेट और ये है Z2-Z1 कंजुगेट, ये चारों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। Z1-Z
वन कंजुगेट क्या आया, जी वन मॉड कॉस के। इसी तरह ये है जी टू कंजुगेट जी टू मॉड कॉस के। फिर आगे आ गया जी वन मॉड कॉस के और एंड वाला भी हुआ जी टू मॉड कॉस के। तो ये भी दो दफ़ा आ रहा है, ये भी दो दफ़ा, तो लिखेंगे टू जी वन मॉड कॉस के प्लस टू जी टू मॉड कॉस के। टू कामन लेंगे, जी वन मॉड कॉस के प्लस जी टू मॉड कॉस के ब्रैकेट आएगी एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रूव दैट ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट दिस इज इक्वल टू वन फॉर जी मॉड इज इक्वल टू वन। ये हमने प्रूव करना है। इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड ए पहली बात तो ये याद रखें कि Z को तो हम डिनोट करते हैं, Z क्या है, Z इज़ एनी कम्प्लेक्स नंबर और आम तौर पे A कोई अलहदा रियल नंबर होता है, B अलहदा, लेकिन इस क्वेश्चन में A, B एंड Z तीनों के तीनों क्या हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसीलिए A के ऊपर भी कंजुगेट है और B के ऊपर भी कंजुगेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो मॉड है ये अलहदा अलहदा कर लें, डिवाइडेड बाई बी कंजुगेट जी प्लस ए कंजुगेट। और दो तीन चीज़ें हैं जहाँ मैं अलहदा से ये लिख दूँ, एक तो हमने ये पढ़ा हुआ है जी मॉड इज इक्वल टू जी कंजुगेट का मॉड, इसको यूज़ करते हुए हम ये करते हैं ए जी प्लस डिवाइडेड बाई बी कंजुगेट, नीचे वाले का मैंने ये ले लिया क्योंकि इसका मॉड और इसके इसके कंजुगेट का मॉड दोनों की वैल्यू सेम है। तो ये हमारे पास आएगा ए जी प्लस, ये तो वैसे ही रहेगा भी, ये जब लेंगे कंजुगेट का कंजुगेट लेंगे तो बी आ जाएगा, ये आ जाएगा जी का कंजुगेट प्लस ए के कंजुगेट का कंजुगेट क्या आ जाएगा ए, इसको भी लेते लेते करेंगे ना। इसे अब हम करेंगे, ये देखें जी मॉड से मैंने न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह मैं डिनोमिनेटर को भी जी मॉड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जी वन जी टू मॉड दिस इज इक्वल टू जी वन मॉड एंड जी टू मॉड, जिस तरह हम इनको सेपरेट कर सकते हैं इस तरह हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो ये देखें ये आपके पास है, ये इनको हम क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर वाला जो है जी मॉड इज इक्वल टू, ये देखिए जी मॉड की वैल्यू क्या है, ये वन, इसकी जगह पे लिखेंगे वन और नीचे वाले को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जी को, तो ये आ जाएगा इस तरह ये मॉड और ये आ जाएगा हमारे पास वन से मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आएगी और नीचे बी जी जी कंजुगेट प्लस क्या आएगा ए और जी, ये देखें ये ए खाली ए है और ये आएगा ए जी प्लस बी डिवाइडेड जी जी कंजुगेट किसके इक्वल है जी मॉड कॉस के प्लस ए जी और जी मॉड किसके इक्वल है वन के, तो इधर आएगा बी इन टू वन का स्क्वायर ए जी और वन जो है जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये ए जी मैंने पहले लिख लिया प्लस बी, अब देखें ऊपर भी वही चीज़ है नीचे भी वही है इज इक्वल टू वन एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं 17 पे।
और 17 पे है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस या गिवन कंडीशन फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर वन है हमारे पास z माइनस फाइव मॉड इज इक्वल टू सिक्स। z की जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस आयोटा y माइनस फाइव मॉड, ये हमारे पास सिक्स आ जाएगा। इसे करेंगे x माइनस फाइव अलहदा और प्लस आयोटा y। अब जब इसका मॉड लेंगे तो ये रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। x माइनस फाइव का स्क्वायर वाइव का स्केयर एंड दिस इज इक्वल टू सिक्स। और इसका स्क्वायर ले लेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर आ जाएगा सिक्स का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा x माइनस फाइव का स्क्वायर y माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 कर लें या 6 का स्क्वायर ले लें, तो विच इज़ अ सर्कल वो सेंटर इज 5 बाय 0 एंड रेडियस इज 6, तो सो लोकस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट 5 0 एंड रेडियस 6, तो ये इसका लुक्स कहलाएगा। नाउ वी गो टू क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर टू है, और पार्ट नंबर टू है हमारे पास z माइनस टू आयोटा मार्ट ग्रेटर देन वन। इसी तरह इसको करेंगे, इसे लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा ग्रेटर देन इक्वल टू वन। x यहाँ से आयोटा कॉमन आया, y माइनस टू मॉड। अब लेंगे इसका मॉड और ये होगा x स्क्वेयर प्लस y माइनस टू का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। इसका भी स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, एक्स स्क्वायर और इधर वन का स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख लें, एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन वन का स्क्वायर। तो अगर तो यहाँ इक्वालिटी होती तो ये क्या था, सर्कल था जिसका सेंटर था 0 2 और रेडियस क्या है 1। अगर होता है इज लेस देन आर इक्वल टू तो फिर आना था सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब है ग्रेटर देन तो ये वो पॉइंट्स आएंगे जो ऑन द सर्कल भी हैं और आउटसाइड द सर्कल भी हैं। तो सो लोकस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन और आउटसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड हैविंग सेंटर 0 2 एंड हैविंग सेंटर 0 2। फिर आगे है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी बार इज इक्वल टू 3। और जी आपको पता है, जी हम लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जी का कंजुगेट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ आयोटा एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू
करें मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस वन, तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स प्लस वाई। तो ये इमेजिनरी पार्ट है और ये क्या है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू थ्री। व्हाट इज़ वाई इज इक्वल टू थ्री, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स, इट इम्प्लाइज दैट लोकस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन वाई इज इक्वल टू थ्री। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव, z प्लस एयोटा और z माइनस एयोटा का मान, इट इम्प्लाइज दैट क्या आएगा x प्लस एयोटा वाई प्लस एयोटा मॉड और x प्लस एयोटा वाई माइनस एयोटा मॉड। एयोटा कॉमन लेंगे y प्लस वन आएगा और इधर से भी एयोटा कॉमन लेंगे और y माइनस वन। अब ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, इसका मॉड लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, इसका भी स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वन का स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर तो हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आएगा वाई प्लस वन का स्क्वेयर, ये आएगा वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई प्लस वन, वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई प्लस, वाई स्क्वेयर भी कैंसिल हो रहा है और वन भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा टू वाई इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए टू वाई प्लस टू वाई ज़ीरो, तो ये क्या है फोर वाई ज़ीरो, फोर पर डिवाइड कर दे वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो क्या है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, द लोकस इज द x एक्सिस या लोकस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई ऑन x एक्सिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 के आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।